माय चैनल। आज का वीडियो मैं किसी भी उसे नहीं बना रही हूँ, जस्ट जो भी है उसे वैसे ही बना रही हूँ, उसमें कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया है। तो इससे मैं मॉर्निंग है और मॉर्निंग के बज रहे हैं, नो बिकॉज संडे है, तो इसलिए संडे हम लोग की मॉर्निंग जो है थोड़ी लेट होती है और इसीलिए मैं ये वीडियो बना भी पा रही हूँ क्योंकि संडे है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रेजेंट टाइम में मैं कौन सा मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ मॉर्निंग है जस्ट बनाने जा रही थी तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं इसमें मॉर्निंग ड्रिंक कौन सा ले रही हूँ। और इससे सबसे अच्छी बात है आपका पेट बहुत अच्छे से क्लीन होगा, फेस पे ग्लो बहुत अच्छे से आएगा, पूरे दिन आप एनर्जेटिक फील करोगे, एक्सरसाइज करने में मन लगेगा, सब कुछ लगेगा। तो चलिए बताती हूँ कि आपको इसे कैसे बनाना। इसे बनाने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रात में तांबे के बर्तन में पानी रखना है। इसमें से मैंने फुल भर के रखा था, हाफ मेरे हस्बैंड ने पिया है। अब जस्ट मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक बनाने जा रही हूँ कि किस तरह से मैं मॉर्निंग ड्रिंक रेडी करती हूँ। तो मैं जिस भी क्वांटिटी में बनाती हूँ उसमें उतना पानी भर लेती हूँ और उसके बाद एक पैन में आपको इसको ट्रांसफर करना है। मैं इसको गैस पे चढ़ाऊंगी और इसे थोड़ा सा गर्म करूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब इतना कि मैं इसे पी सकूं। तो इसको आपको चढ़ाना है उसी पानी को जिस पानी को आपने रात में तांबे के लिए रखा था। इसके बाद आपको इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर ऐड करनी है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास इस समय जो बिना जूस वाली अदरक था वो इसलिए मैंने इसमें बॉईल किया है। अगर आपके पास जूसी अदरक हो तो आप इस पानी को गर्म करिए, देन उसके बाद जब कप में ट्रांसफर करिए उसमें आप उस जूस को ले लीजिए। मेरे पास इस समय जूसी वाली अदरक नहीं थी इसलिए मैंने इसमें किया है ताकि इसमें से एक्सट्रैक्ट निकल आए। तो ये चीज़ आपको भी करनी है, हल्का सा बॉयल हो जाए यानी कि जो एक्सट्रैक्ट हैं वो थोड़े थोड़े पानी में आ जाए तब तक आपको इसे बॉयल करना है। और अदरक ऐड करने के बाद इसमें जो हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है सिनेमन। तो इसमें इतनी यानी कि अगर बड़ी है 1 इंच 1.5 इंच के लगभग आपको इसमें सिनेमन ऐड करना है, ये आपको बॉयल करना है। मैं इसमें इसलिए ऐड कर रही हूँ बिकॉज ये आपके ब्लड में जितना भी शुगर है उसे कंट्रोल करता है। अदरक इसलिए ऐड करती हूँ बिकॉज बॉडी की स्वेलिंग या फिर जितनी भी आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है उसे कंट्रोल करता है। और इस वाले जो तांबे का पानी है आई थिंक आप सब जानते हो, और इसे मैं एज अ मॉर्निंग ड्रिंक यूज़ करती हूँ। और जितना ये जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है इसे भी मैं पीऊँगी हल्का सा गर्म करने के बाद। और जब मेरे हस्बैंड, क्योंकि मेरी जो चाय है वो भी इधर रेडी हो रही है, तो जब मेरे हस्बैंड चाय पीते हैं तो मैं इस वाटर को एज अ सिप सिप करके पीती हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी इसे ऐसा मत बनाइएगा कि हल्का सा गर्म किया और गटगट गटगट पी गए एक बार में। हमेशा अपना मॉर्निंग ड्रिंक इतना गर्म होना चाहिए जितना आपकी चाय है, यानी कि सिप सिप करने वाला आपको पीना है जैसे आप चाय पीते हो। तो ये मेरा बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है कि जब मेरे हस्बैंड चाय पीते हैं देन मैं ये पीती हूँ। तो आपको जस्ट आप साथ में भी बैठ लेते हो, ये भी नहीं रहता कि मैं मॉर्निंग ड्रिंक ले रही हूँ। और थोड़ा सा टेस्टी भी लगता है क्योंकि इसमें सिनेमन मैं ऐड करूँगी। उसके बाद क्या चीज़ ऐड करूँगी वो भी मैं अभी आपको दिखाऊँगी। तो इस ड्रिंक को जो है वो मैंने कप में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें लेमन डालूँगी, पूरा एक फुल लेमन आपको इसमें डालना है। और ये ड्रिंक आपका रेडी है। और इसके साथ में क्या लेती हूँ वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो फर्स्ट इस ड्रिंक के साथ मैं लेती हूँ कुछ काली मिर्च 8 से 10 और उसके बाद अपनी थायराइड की दवा इसी वाटर के साथ। देन उसके बाद मेरा जो मॉर्निंग ड्रिंक है उसे कंप्लीट करती हूँ और उसके 15 मिनट बाद मैं चाय पीती हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड की चाय और ये मेरा मॉर्निंग ड्रिंक जो साथ में पीने वाले हैं। इस तरह आप भी रिप्लेस कर सकते हैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक से अपना मॉर्निंग ड्रिंक, क्योंकि तो इस तरह से आप ये मॉर्निंग ड्रिंक पीजिए और देखिए कि कैसे बहुत ही अच्छे तरीके से आपका पेट क्लीन करता है, नाभि के आसपास की सारी गंदगी को निकालता है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।